संध्या में आपने इतने खूबसूरती के साथ सेट इंडक्शन स्किल्स को प्रेजेंट किया और हम लोगों के लिए भी दुआ कर दीजिए कि हम लोग भी आप ही की तरह खूबसूरती के साथ अपने स्किल्स को प्रेजेंट करें आने वाले समय में। और जैसा अनामिका मैडम ने कहा कि बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं या बताएंगे आपको ब्लैक बोर्ड स्किल, तो इस संदर्भ में तो हम ये कहना चाहते हैं आप लोग से कि देखिए, जिस तरह से खूबसूरती की कोई सीमा नहीं होती है, उसी तरह से अच्छे से पढ़ाने की भी कोई सीमा नहीं है। ठीक है ना? जैसा हम सोचते हैं या जैसी मेरी विचार अच्छे से पढ़ाने के इसमें। और संध्या मैडम के बारे में मैं क्या बोलूं कि उन्होंने 1 घंटे के अंदर में अपनी बात इतनी खूबसूरती से रखा और 1 ही घंटे का टाइम था, और यह सबसे बड़ा चैलेंजेज होता है टीचर के अंदर कि वह अपनी बात को एक निश्चित समय के दरमियान खत्म कर दे। हम तो देखा है कि अच्छे अच्छे टीचर 5 मिनट 10 मिनट आगे खत्म कर देते हैं, 5 मिनट 10 मिनट पहले खत्म हो जाता है, लेकिन मैडम का हमने देखा कि एग्जैक्ट 1 घंटे में उन्होंने अपनी बात को कंप्लीट कर दिया। आप लोग भी उसी तरह से लेसन प्लान में बनाने के समय में जो 45 मिनट्स का ड्यूरेशन रखते हैं, उस पीरियड का ख्याल रखते हुए आपको क्या करना है कि 45 मिनट के अंदर में आपको अपना लेसन डिलीवर कर देना है। ऐसा नहीं कि 10 मिनट आगे हो जाए 10 मिनट पीछे हो जाए। ठीक है? तो यह है कि आप लोगों के लिए चैलेंजिंग चुनौती है कि इसको आप लोग कैसे मैनेज करते हैं। तो मैडम की तारीफ जितनी की जाए बिल्कुल कम, एग्जैक्ट 1 घंटे में हो गया, और मुझे भी कुछ इसी तरह का आदेश मिला है कि 1 घंटे में कर लीजिए। ठीक है ना? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा तो चाहे तो 10 मिनट आगे भी जा सकता है, 10 मिनट पीछे भी हो सकते हैं। थैंक यू। और अब आइए, मैं जिस स्किल को आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं, वह जो स्किल है वो टीचिंग एड्स, या आप उसको कह सकते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टीचिंग एड्स या टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का एक ऐसा पार्ट है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यह एक ऐसा पार्ट है जिसके बिना शिक्षण कार्य सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता। ध्यान रखिएगा कि मैं जिस स्किल पर आज अपनी विचार रखने जा रहा हूं, वह एक टीचिंग एड का पार्ट है या टीचिंग लर्निंग मटेरियल का एक भाग है, और एक ऐसा भाग है जिसके बिना शिक्षण कार्य सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता। ठीक है? एक दृष्टि से, एक नजरिए से अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि यह विजुअल एड्स के अंतर्गत आता है, और दूसरे नजरिए से अगर देखेंगे, दूसरे दृष्टि से देखेंगे तो यह डिस्प्ले एड्स के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है? तो ये आप लोग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लर्निंग मटेरियल वहां आपको मिलेगा। इस स्किल का नाम है स्किल्स ऑफ राइटिंग बोर्ड, स्किल्स ऑफ राइटिंग बोर्ड। जैसा कि हाँ थोड़ा हाँ ये देखिए, ब्लैक बोर्ड स्किल्स या राइटिंग स्किल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में सबसे पहले समझ लें कि जैसा कि इतिहास से पता चलता है कि इसके बारे में जेम्स पिलेंस 1800 में, 1800 ईस्वी में इन्होंने ये ब्लैक बोर्ड स्किल का कंसेप्ट दिया था। ये जो थे,
ये स्कॉटलैंड के थे और स्कॉटलैंड में एक जगह है ईडनबर्ग, वहां के किस स्कूल में हेडमास्टर थे, ठीक है। और इसमें दूसरा जो नाम आता है वो है आपका जॉर्ज बैरोन। जॉर्ज बैरोन इन्होंने 1801 ईस्वी में इन्होंने इस ब्लैक बोर्ड स्किल का कंसेप्ट, या आप कह सकते हैं इसकी इसका जो खोज है, इन लोगों ने किया था। ये जो थे यूएसए में टीचर थे मैथमेटिक्स के, ठीक है। और नेक्स्ट आइए, तो अब हम लोग ये देखें कि इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इसके बारे में जान लें, राइटिंग बोर्ड के बारे में, कि द बोर्ड दैट ए टीचर यूजेस टू राइट इन द क्लासरूम इज नोन एज राइटिंग बोर्ड। ध्यान रखिएगा कि एक शिक्षक क्लासरूम में पढ़ाने के समय, बताने के समय जिस बोर्ड का प्रयोग करता है, उस बोर्ड को हम लोग राइटिंग बोर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि इफ द कलर ऑफ बोर्ड इज वाइट देन इट इज नोन एज वाइट बोर्ड। देखिए, यदि आप जिस क्लासरूम में जो भी बोर्ड का कलर है अगर वाइट है तो हम उसको वाइट बोर्ड के नाम से जानेंगे, और अगर कलर ब्लैक होता है तो हम ब्लैक बोर्ड के नाम से जानते हैं। कलर अगर ग्रीन है, इफ कलर इज ग्रीन इट इज सेड टू बी ग्रीन बोर्ड। अगर क्लासरूम में आप जो पढ़ा रहे हैं वहां पर का कलर जो है यदि ग्रीन होता है तो उसको हम लोग ग्रीन बोर्ड के नाम से जानते हैं। देखिए, आपके पास शायद एक आप लोग को व्हाट्सएप दिया होगा, वो सत्या मैडम डिजाइन की थी, उन्होंने लिखा है कि ग्रीन बोर्ड स्किल। ध्यान रखिएगा कि आजकल स्कूल में चूंकि ग्रीन बोर्ड का प्रचलन ज्यादा है, इसलिए मैडम ने क्या किया है, वहां पर ग्रीन बोर्ड स्किल उसका नाम दिए हैं, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि व्हाइट बोर्ड आपको कहीं मिल गया तो आप उसको ग्रीन बोर्ड कहेंगे, ऐसा नहीं है। तो जैसा कलर आप उसके अकॉर्डिंग उसको नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, थोड़ा सा इको हो रहा है। नेक्स्ट आइए, ब्लैक बोर्ड इज एन इम्पॉर्टेंट विजुअल एड्स यूज्ड बाय टीचर फॉर इफेक्टिव टीचिंग। ए टीचर मेक्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड इन हिज डेली क्लासरूम टीचिंग फॉर वर्किंग आवर प्रॉब्लम्स, ड्राइविंग फॉर्मूला, प्रूविंग थ्योरम्स, ड्राइंग फिगर, कंस्ट्रक्टिंग ज्योमेट्रिकल फिगर्स एंड सो ऑन। एवरी टीचर शुड बी प्रोफिशिएंट इन द स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड। देखिए, राइटिंग बोर्ड एक ऐसा महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट विजुअल एड्स है, या आप कह सकते हैं एक ऐसा इम्पॉर्टेंट डिस्प्ले एड्स है, जिसका प्रयोग एक शिक्षक अपने शिक्षण को इफेक्टिव बनाने के लिए करता है, प्रभावशाली बनाने के लिए करता है। इस बोर्ड का प्रयोग दैनिक कक्षा में यानी डेली क्लासरूम में बड़े पैमाने पर अलग अलग सब्जेक्ट टीचर अपने अपने तरीके से, अपने अपने क्या कहिएगा उसको, अपने अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग वो इसको यूज करते हैं, ठीक है। और इस बोर्ड का प्रयोग, देखिए ऐसा हम ये इसलिए नहीं कह रहे कि चूंकि हम मैथमेटिक्स के टीचर हैं इसलिए हम इस बात को या आगे का स्टेटमेंट हम आप लोग के सामने जो बोलना चाह रहे हैं, हम मैथमेटिक्स टीचर के हैसियत से नहीं बोल रहे हैं, और ऐसा ये कि सही है इसलिए मैं बोल रहा कि इस बोर्ड का प्रयोग सबसे ज्यादा क्लासरूम में अगर कोई टीचर करता है तो वो मैथमेटिक्स टीचर करता है, क्योंकि गणित की पढ़ाई बिना ब्लैक बोर्ड के पॉसिबल है ही नहीं। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं बिना ब्लैक बोर्ड के, ठीक है। जैसे किसी वर्ड्स का प्रॉब्लम है, कोई वर्ड प्रॉब्लम अगर आप बनाना चाहते हैं उसको सॉल्व करने के लिए,
या किसी फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए या थ्योरम प्रूफ करने के लिए या किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को ड्रॉ करने के लिए इत्यादि जगहों पर हम व्यापक रूप से इसका प्रयोग करते हैं। राइटिंग बोर्ड स्किल का उपयोग एक शिक्षक को किस प्रकार करना चाहिए, इसमें उसे क्या होना चाहिए, निपुण होना चाहिए, उसमें उसको क्या होना चाहिए, महारत हासिल होना चाहिए, ठीक है, उसका वो मास्टर होना चाहिए। नेक्स्ट आइए, गुड राइटिंग बोर्ड लीड्स टू, देखिए जब एक अच्छे राइटिंग बोर्ड जो होते हैं वो कुछ बातों को बढ़ावा देते हैं, ठीक है ना, अच्छा लेखन बोर्ड जो है वो कुछ बातों को बढ़ावा देते हैं। क्या है, क्लियरिटी इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। देखिए आप छात्रों को जो टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं उस टॉपिक की स्पष्ट समझ बच्चों के अंदर है ना होनी चाहिए। तो आप छात्र को जो भी टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं उस टॉपिक की समझ स्पष्ट रूप से बच्चों के अंदर आ जाती है, अगर आप अच्छे से ब्लैक बोर्ड को यूज कर रहे हैं तो। रेनफोर्समेंट ऑफ आइडिया विच इज बीइंग वर्बली प्रेजेंटेड। तो ये क्या है कि जब आप अपने टॉपिक से संबंधित किसी विचार को मौखिक रूप से बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं तब उन विचारों को रेनफोर्समेंट मिलता है, पुनर्बलन मिलता है। साइकोलॉजी में आपने इस टर्म के बारे में सुना होगा, रेनफोर्समेंट, ठीक है ना, यह जो विचार जो टीचर मौखिक रूप से बात को बोलते हैं उसमें इसको क्या है, पुनर्बलन मिलता है उन विचारों को, ठीक है। और कन्वेनिंग ए होलिस्टिक पिक्चर ऑफ द कंटेंट, क्या है, यह कंटेंट से संबंधित एक होलिस्टिक पिक्चर भी का भी इसमें क्या है वो पता चलता है, ठीक है। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट जिस मेथड के हैं वो अपने अपने मेथड के अकॉर्डिंग इसमें सोचिएगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, टाइप्स ऑफ राइटिंग बोर्ड, राइटिंग बोर्ड के प्रकार क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहला है रोलर बोर्ड, आप देख रहे हैं ये रोलर बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। रोलर बोर्ड जो है वो होता है कि इस तरह के जो बोर्ड होते हैं ना वो उसको आप क्या है कि कैलेंडर की तरह फोल्ड करके एक जगह से दूसरे जगह तक आप बड़े आसानी से ले जा सकते हैं। आप बैग में लेकर के आइए और क्लासरूम में टांग दीजिए और यूज करें और फिर उसको मोड़ करके और आप कहीं भी ले जा सकते हैं। तो रोलर बोर्ड यही होता है। एक जगह से दूसरे जगह का मतलब ये नहीं हुआ कि केवल आप बहुत थोड़ा ही, आप बहुत दूर तक भी ले जा सकते हैं, आप यहाँ तक कि उसको एक देश से दूसरे देश भी ले करके जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, तो आपको इसमें मिलेगा पोर्टेबल बोर्ड। देखिए पोर्टेबल बोर्ड जो होता है ये आपके मल्टीपर्पस रूम में आप लोगों ने देखा होगा, और कि ये जो बोर्ड है ना, ये बोर्ड तो दिखाया नहीं जा सकता है दोस्तों, है ना, अच्छा छोड़ दो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने दो, वो लोग देखे होंगे। ये एक पोर्टेबल बोर्ड जो होता है ना ये एक स्टैंड पर लगा हुआ होता है, एक स्टैंड पर ये लगा हुआ रहता है। आप लोगों ने मल्टीपर्पस हॉल में उस बोर्ड को देखा होगा, ठीक है। ये बोर्ड जो है आप रोलर बोर्ड की तरह ऐसा नहीं है कि फोल्ड किए और कहीं भी ले जा सकते हैं, इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। आपको ले जाने के लिए हो सकता है गाड़ी की जरूरत पड़े, ठीक है ना, लेकिन आप चाहेंगे कि आसानी से एक जगह से दूसरे जगह चला जाए तो वो पॉसिबल नहीं। हाँ, एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम में आप ले जा सकते, लेकिन एक स्कूल से दूसरे स्कूल चाहेंगे तो वो डिफिकल्ट है,
ठीक है ना। तो इस तरह का बोर्ड आप लोगों ने देखा होगा। और नेक्स्ट आइए, वो है आपका ब्लैक बोर्ड इंक्लाइंड ऑन वॉल। ये आपके क्लासरूम में इस तरह का बोर्ड लगा हुआ है जो दीवार में फिक्स होते हैं, ठीक है। इसे आप कहीं भी एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं ले जा सकते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है, कि ये जो बोर्ड है इस तरह का, इसको हम लोग कहते हैं जो वाल पर, जो वाल पर क्या होता है वो लटके हुए रहते हैं, ओके। और नेक्स्ट जब आएंगे आप लोग तो आपका है कि साइज ऑफ राइटिंग बोर्ड, राइटिंग बोर्ड साइज ऑफ ग्रीन बोर्ड, साइज ऑफ वाइट बोर्ड, जो भी कहना है आप कह सकते हैं। क्योंकि चूंकि चूंकि बहुत मैक्सिमम स्कूल में जो प्रचलन है वो ग्रीन बोर्ड का है, इसीलिए आप इसे ग्रीन बोर्ड स्किल्स कह सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे साइज ऑफ राइटिंग बोर्ड में कि द साइज ऑफ द राइटिंग बोर्ड डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द क्लास। देखिए राइटिंग बोर्ड का आकार क्लास के साइज पर डिपेंड करता है, क्लास के साइज पर निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा कि यदि किसी क्लास रूम में 30 से 35 स्टूडेंट का वो स्ट्रेंथ है, तो वहां पर या उस जगह पर आप तीन फिट आपका जो है वो ये होगा, ये हॉरिजेंटली सॉरी वर्टिकली, और 4 फिट क्या है ये आपका हॉरिजेंटल, ये आपका साइज होगा। ध्यान रखिएगा, आपको थोड़ा सा हम ये एक पीछे ले जाए, एक मिनट, ये आप देख लीजिए, ये जो आप साइज देख रहे हैं इस तरह से, ये 4 फीट होना चाहिए, और ये जो आपका हो गया ये वर्टिकली, ये आपका 3 फीट होना चाहिए, ठीक है। कब? जब 30 से 35 स्टूडेंट का स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है, अगर यही साइज अगर बच्चों का अगर बढ़ता है, जैसे सपोज कर लीजिए कि 40 से 50 स्टूडेंट किसी क्लास में है, तो यही ब्लैक बोर्ड का साइज या इस तरह के ब्लैक बोर्ड का साइज वो बढ़ जाएगा, वो 4 फीट वर्टिकली होगा और 6 फीट जो होगा वो हॉरिजेंटली होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये आपको घर से लेकर के जाना है, ये कॉलेज का काम है, यूनिवर्सिटी का काम है कि वो इसको किस तरह से मैनेज करता है, स्कूल का काम है, ठीक है। और यही संख्या बच्चों की अगर 60 से या 65 से 75 80 के बीच अगर हो जाती है, या तो वैसे केसेस में इसका जो साइज होगा वो हॉरिजेंटल आपका 8 फीट हो जाएगा, और वर्टिकल जो होगा खड़ा सीधा, जैसा कि हमने पहले पीछे आपको दिखाया है, वो 4 फीट होगा, ठीक है। तो 4 फीट चौड़ा कह सकते हैं और 8 फीट लंबा कह सकते हैं, जो भी आप उसको इस तरह से समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइज ऑफ राइटिंग बोर्ड। और उसके बाद नेक्स्ट है राइटिंग बोर्ड इफेक्टिवनेस, राइटिंग बोर्ड इफेक्टिवनेस। देखिए इसमें कि राइटिंग बोर्ड को प्रभावशाली कैसे बनाया जाए, यानी जिस बोर्ड को आप यूज करेंगे, जिस बोर्ड का आप प्रयोग करेंगे, उस बोर्ड को आप इफेक्टिव कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये टू इनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस विजुअल एड्स, ए टीचर मस्ट कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द माइंड। देखिए कि एक शिक्षक को कुछ बातों का ध्यान अपने दिमाग में कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। कब? जब वह इस बोर्ड को इफेक्टिव बनाना चाहता है। इस बोर्ड को इफेक्टिव बनाने के लिए एक शिक्षक को कुछ मुख्य बातों पर ध्यान
रखना पड़ता है। उसमें जो पहला है आपका वो राइटिंग शुड बी क्लियर एंड विजिबल। ध्यान रखिए कि आप जो कुछ भी ब्लैक बोर्ड पर लिखें आप एक मिनट ये राइटिंग शुड बी क्लियर एंड विजिबल यानी आप ब्लैक बोर्ड जो यूज कर रहे हैं या जो कुछ भी आप उस पर लिखते हैं वो क्लियर होना चाहिए और विजिबल होना चाहिए, वो दिखाई देना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। अब देखिए विजिबल का मतलब जो भी आप वर्ड या सेंटेंस लिख रहे हैं वह क्लियर होना चाहिए, दिखाई देनी चाहिए, और क्लियर का मतलब ये है कि आपने ए लिखा है कि ई लिखा है, इसकी भी पहचान बच्चों को होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आप चार लिखे हैं और वो देखने में छः जैसा लग रहा है, सिक्स जैसा लग रहा है, तो वो क्लियर नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको जो है ये ध्यान में रखना होगा। सेकेंड जो आपका पॉइंट है उसमें है कि स्पेस बिटवीन ईच वर्ड शुड बी यूनिफॉर्म एंड एडिक्वेट। देखिए हर एक वर्ड जो भी सेंटेंस आप लिख रहे हैं उन सेंटेंस जो भी वर्ड आप लिखते हैं उस वर्ड के बीच का जो गैप होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए यानी एक जैसा होना चाहिए और एडिक्वेट पर्याप्त होना चाहिए। देखिए दो एग्जाम्पल आपके सामने है, आई एम गोइंग टू स्कूल, और एक नीचे भी वही एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू स्कूल। आप देख लीजिए एक में आपका जो है आई एम गोइंग टू, ये सभी जो हैं आपके वर्ड हैं, इन सभी वर्ड के बीच का जो गैप है देखिए एक जगह गैप क्या हो गया है वो आपका ज्यादा हो गया है, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। कैसा होगा वो नीचे एग्जाम्पल में दिखाया गया है, उदाहरण में दिखाया गया है, देख लीजिए आई एम गोइंग टू स्कूल, इसके सभी वर्ड के बीच का जो गैप है ये गैप जो आप देख रहे हैं ये क्या है, यूनिफॉर्म है और एडिक्वेट भी है, ठीक है। थर्ड आइए कि साइज ऑफ लेटर्स शुड बी यूनिफॉर्म, क्या है ये ऑल कैपिटल लेटर्स शुड बी यूनिफॉर्म एंड ऑल स्मॉल लेटर्स शुड आल्सो मेंटेन यूनिफॉर्म। देखिए जो भी लेटर आप लिखते हैं चाहे वो कैपिटल हो, एक सेंटेंस है में कुछ कैपिटल लेटर्स भी हो सकते हैं और कुछ स्मॉल लेटर भी आपको मिलेंगे, उस लेटर में जितने भी कैपिटल लेटर हैं उसका साइज एक जैसा होना चाहिए, जितने भी स्मॉल लेटर हैं उनका भी साइज क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। जैसे देखिए एग्जांपल में आई एम गोइंग टू स्कूल और एक नीचे भी है आई एम गोइंग टू स्कूल, देख लीजिए एक में देखिए कि आप एन स्मॉल में है और इसके जगह पर जो दूसरे लेटर सब यूज किए गए हैं उनका साइज और एन के साइज को आप देख लीजिए, तो अगर आपने अगर जैसे ए जिस साइज का आपने लिया है उसी साइज का आपको एन भी लेना है, ऐसा नहीं है कि स्मॉल ए एक छोटा ले लिए और स्मॉल ए के लिए एक बड़ा सा हम इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये थोड़ा सा वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप इसको करेक्ट तरीके से इस तरह से देखिए। आप देख लीजिए कि इसमें आपका क्या है कि जितने भी स्मॉल लेटर हैं ये सभी के सभी एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर आई है आपका और यहाँ पर स्कूल को भी अगर आपने कैपिटल लेटर लिया, तो यहाँ पर जो कैपिटल लेटर एस है और यहाँ पर का कैपिटल लेटर आई जो है इन दोनों का साइज देख लीजिए क्या है, वो क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म नहीं है, तो आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है कि द हेडिंग ऑफ द टॉपिक शुड बी रिटेन अबाउट 6 inches अबव द रिस्पेक्टिव टीचर्स हाइट एंड द बॉटम लाइन एट द आई लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स सीटेड इन द लास्ट बेंच। ध्यान रखिएगा कि
मैडम ने सेट इंडक्शन आप लोगों को पढ़ाया और बड़े ही खूबसूरती ढंग से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। और सेट इंडक्शन जैसे ही खत्म होता है आप टॉपिक डिक्लियर करते हैं, और टॉपिक डिक्लियर करने के साथ साथ आप उस टॉपिक का हेडिंग ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। तो ध्यान रहे कि टॉपिक का हेडिंग आप अपना जो आपका हाइट है उस हाइट से 6 इंच ऊपर होना चाहिए, 6 इंच आपका ऊपर होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका अगर हाइट 5 फीट है तो आप जो हाथ ऊपर उठा करके जो लिखेंगे वो आपके सर से का जो हाइट है वहां से आपको 6 इंच ऊपर लिखना है, हेडिंग देना है, यह ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एंड द बॉटम लाइन एट द आई लेवल ऑफ द स्टूडेंट सीटेड इन द लास्ट बेंच। और जो नीचे आप लिखेंगे, नीचे में आप वहीं तक लिखेंगे जो पीछे स्टूडेंट बैठे हुए होते हैं, उनको जहां तक बोर्ड नजर आ रहा है, उनको जहां तक बोर्ड नजर आएगा दिखाई देगा, आप वहीं तक उसको लिखेंगे, क्लियर है। और यही वजह है कि आप लोग जब टीचर बन के जाएंगे तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो छोटे बच्चे हैं जो शॉर्ट हाइट के हैं उनको हमेशा आगे वाले बेंच पर बैठाइए, और जो जिसकी हाइट अच्छी खासी है उसको आप बैक बेंच पर बैठाइए, पीछे बैठाइए, ठीक है। और नहीं अगर आप अगर इसमें कुछ भी आगे पीछे करेंगे, छोटा बच्चे को पीछे बैठा दीजिएगा तो पता चला क्या कि उसका जो गर्दन है आगे वाले का वो उसी से ढक गया, उसको तो कुछ दिखाई नहीं देगा। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका लिस्टिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस शुड बी हॉरिजेंटल एंड पैरेलल टू द बेस ऑफ द बोर्ड। देखिए आप एक एग्जाम्पल यहां हमने लिया है, ये एग्जाम्पल में आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लाइन लिखा हुआ है। इसमें देखिए पूरा एक सेंटेंस है भी है, बहुत सारे एक दो सेंटेंस इसमें कंप्लीट है। इसमें वर्ड्स एंड सेंटेंस जो है ये हॉरिजेंटल एंड पैरेलल। देखिए हॉरिजेंटल एंड पैरेलल क्या होता है उसको आप समझ लीजिए। पैरेलल कहते हैं क्या कि जैसे एक लाइन के बाद जो दूसरा लाइन आप लिख रहे हैं इस दोनों के बीच का जो गैप दूरी जो होती है वो प्रति एक जगहों पर एक समान होना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया आपका पैरेलल, यानी देखें ये हो गया। और हॉरिजेंटल देखिए अगर जब पैरेलल होगा ना तो ऑलरेडी वो हॉरिजेंटल हो जाएगा, लेकिन अगर पैरेलल नहीं होगा ना तो वो हॉरिजेंटल नहीं होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें 7 लाइन है, इस 7 लाइन में हर एक लाइन के बीच का जो गैप है ना वो भी क्या है, पर्याप्त है। ऐसा नहीं है कि इसके और फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन के बीच का गैप और सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच का गैप क्या है अलग अलग है, ऐसा नहीं है। आप इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपका बुक है, जिस बुक को आप फॉलो करते हैं उस बुक की लिखावट आप अच्छे से देखिए और आपको उसी तरह से ब्लैक बोर्ड यूज करना है या ब्लैक बोर्ड को आप पर लिखेंगे। और एक इसी का जो रॉन्ग प्रोसेस है वो आप देख लीजिए आपके सामने है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर ब्रॉड एंड फिलोसफिकल इन नेचर, देख रहे हैं ना उसी चीज को किस तरह से लिखा गया है, दैट इज रॉन्ग प्रोसेस, यह गलत है, आप इस तरह से नहीं लिखेंगे। आप अगर इस तरह से लिखिएगा तो ब्लैक बोर्ड स्किल का जो इफेक्टिवनेस है उसकी सुंदरता जो है उस सुंदरता में क्या होगी, उसकी दुर्गति हो जाएगी। तो इस दुर्गति को आपको बचाना है, इस दुर्गति से आपको पार पाना है,
इस दुर्गति को बचाते हुए आपको एक मिनट, आपको इस फॉर्म में एग्जाम्पल वन के जैसा आपको लाना होगा। और मैं यहीं पर आपको बता दूं कि आप लोगों में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जब फर्स्ट टाइम या फर्स्ट लेसन जब स्कूल में डिलीवर करेंगे तो आपको क्या है इस तरह का ये इस तरह से आप लोग लिखिएगा, ठीक है ना। तो ये एक दिन और दो दिन के अंदर की बात नहीं है कि आपके अंदर डेवलप हो जाएगा, इसको करिएगा तो हो जाएगा, ठीक है ना। और बहुत सारे को आता भी होगा, वो लिख भी लेंगे अच्छे से। लेकिन हम लोगों ने जहां भी प्रैक्टिस टीचिंग में हम लोग जहां भी देखे हैं तो वहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट शुरुआती पोजीशन में इनिशियल स्टेज में इस तरह से लिखते हैं बेतरतीब ढंग से, तो इससे आपको बचना है। नेक्स्ट आइए, स्पेस बिटवीन ईच लाइन शुड बी एडिक्वेट। इसमें पहले भी हमने बात किया कि देखिए एक एग्जाम्पल है ये आपका कि ये जो आपने लिया है कि अकॉर्ड ये जो हमने सेंटेंस लिखा है कितना, देखो 1 2 3 4 5 फाइव सेंटेंस है। इसमें देखिए हर एक लाइन के बीच क्या का जो गैप है, स्पेस है, वह स्पेस क्या है एडिक्वेट नहीं है। देखिए पहला लाइन और दूसरा लाइन के बीच का जो गैप है ये हम एरो के द्वारा दिखा रहे हैं, ये देखिए, और सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच का गैप देख लीजिए, और फिर थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच का गैप देखिए। तो ऐसा आपको नहीं लिखना है। आपको लिखना कैसा है, आपको लिखना इस तरह से है एग्जाम्पल वन के जैसा लिखना है, ठीक है। और ये एक दिन दो दिन में नहीं होगा, इसके लिए आपको डू एंड डू। नेक्स्ट आइए, अवॉइड ओवर राइटिंग टू मेंटेन नीटनेस एंड क्लियरिटी। आपको क्या करना है कि ब्लैक बोर्ड के नीटनेस और क्लियरिटी, इन दो चीजों को आप मेंटेन करने के लिए आपको जहां तक संभव हो ओवर राइटिंग नहीं करना है। अब आप कोई सेंटेंस लिखा, गलत लिख दिया, फिर उसको काट रहे हैं, फिर आपने लिखा, फिर उसमें कुछ गलत किए, फिर उसको आप काट रहे हो, तो ये ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अवॉइड स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर से भी आपको बचना है। ध्यान रखिएगा कि जो कुछ भी आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं है ना, वो जो चीजें होती हैं वो बच्चे के मस्तिष्क में छप जाती है और विगत बच्चा उस गलती को जीवन भर करते रहता है। अगर उसका सुधार या उसके अंदर में फिर किसी ने अगर उसको नहीं सुधारा तो ध्यान रखिएगा कि आप जो कुछ भी ब्लैक बोर्ड पर लिखिए वो स्पेलिंग एरर नहीं हो, ठीक है। और खास करके आप जैसे टीचर जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका माइंड जो है उतना ज्यादा डेवलप नहीं रहता है, तो स्पेलिंग एरर से भी आपको बचना है। ड्रॉ डिफिकल्ट फिगर पिक्चर्स बिफोर हैंड। देखिए जो भी टॉपिक आप पढ़ाइए उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऐसे भी पिक्चर आपको मिलेंगे जो जिसको बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उस फिगर को या उस तस्वीर को आप पहले से क्या कीजिए, बना करके रखिए, ताकि एट ए टाइम आपको बनाने में परेशानी नहीं हो, बना रहे हैं मिटा रहे हैं, बना रहे हैं मिटा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। यूज ए पॉइंटर एंड स्टैंड ऑन वन साइड ऑफ बोर्ड व्हेन एक्सप्लेन। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ब्लैक बोर्ड पर जो कुछ भी लिखे हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप एक पॉइंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप एक पतली सी छड़ी टाइप का उसको आप ले करके एक साइड ब्लैक बोर्ड के किसी एक साइड पर खड़े होकर के आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं,
ठीक है। थर्ड है आपका यूज द बोर्ड ओनली वेन नेसेसरी। बोर्ड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उसी समय करना है जब मुझे उसकी जरूरत हो। नेक्स्ट, कीप बोर्ड वर्क कंप्रीहेंसिव। देखिए, बोर्ड वर्क जो होता है वो कभी भी आधा अधूरा मत कीजिए। कंप्रीहेंसिव का मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज कर लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, हम थ्योरम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम क्या किया कि शॉर्टकट में क्या है, थोड़ा लिखा और शॉर्टकट में लिख करके और हम क्या किए उसको संक्षेप में प्रूफ करके निकल गए। नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक उसी तरह से आपको प्रूफ करना है जैसा बच्चा एग्जाम में लिखेगा। कंप्रीहेंसिव का मतलब होता है व्यापक तरीके से होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। क्लियर? मेक यूज ऑफ कलर चॉक ओनली वेयर नेसेसरी, कीपिंग इन द माइंड द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ कलर। देखिए, ब्लैक बोर्ड पर बहुत कुछ कुछ बातें या कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आपको डिनोट करने के लिए कलर चॉक का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना? कलर चॉक का इस्तेमाल करना चाहिए। उससे जैसे सपोज कर लीजिए कि आप भारत का मैप बनाया और वहां पर आपको कहीं पर मुंबई दिखाना है, तो कलर चॉक हम इस्तेमाल करेंगे। कहीं पर मान लो हमको जो है चेन्नई शो करना है, वहां पर हम ये करेंगे। अब मान लो कि त्रिभुज की बात कर रहे हैं, अगर हमको केंद्रक दिखाना है, सेंट्रोइड दिखाना है ना, तो हम क्या करेंगे, वहां पर उसको हम फोकस करेंगे, ठीक है। मान लो कि अगर मनुष्य के शरीर का कोई पार्ट है, उसमें हमको किडनी दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको कलर चॉक का वहां पर यूज करेंगे, ठीक है ना? कि देखो ये ह्यूमन का एक पार्ट है, इसमें किडनी यहाँ पर होता है, ठीक है, लीवर यहाँ पर होता है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। जनरली होता क्या, आप लोग कलर चॉक यूज नहीं करते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा, हमने पिछले क्लास में भी, ये सॉरी पिछले सेशन में भी हमने इस बात के बारे में बताया है कि देखो आप लोग मेकअप का सामान थोड़ा सा कम खरीद लेना है ना, लेकिन कलर चॉक क्या है रखिएगा पास में। ग्रीन है, कुछ गुलाबी कलर के होते हैं है ना, कुछ ब्लू पर होता है, तो क्या है, थोड़ा सा 10-20-25-50 रुपया खर्च नहीं कर सकते। एक दिन समोसा नहीं खाएंगे, शाम में शाम का नाश्ता गोल कर देंगे, क्या? तो जरूर रखिएगा आप। अब आइए, यूज ए डस्टर टू एरेस Erase फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दशरथ, टॉप टू बॉटम, देखिए डस्टर को हम लोगों को जब यूज करना है या जब मिटाने के समय में, तो टॉप से बॉटम की तरफ क्या होना चाहिए, वो हमारा इसमें है ऑलरेडी, हम देख लेते हैं, है ना? हाँ, ये कि कैसे आप इसको इरेज करेंगे, हम इसके बारे में आप लोगों को दिखा रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं। एक मिनट लाइट आने दो, रुक जा। ये आप दिखाई दे रहा है क्या? ये यस दिख रहा है? यस सर, यस सर, ये देखो तो यस कहां सर, से प्ले होगा, प्ले कर दो। ये देखिए किस तरह से ब्लैक बोर्ड को मिटाया जा रहा है, आप इसको देखिए, आपको भी इसी तरह से मिटाना है, ठीक है ना?
रॉन्ग प्रोसेस हमारे इसमें वीडियो में नहीं है, अदरवाइज हम दिखा देते हैं कि रॉन्ग प्रोसेस क्या है। रॉन्ग प्रोसेस ऐसा होता है कि डस्ट पूरा आपको क्या है आपके शर्ट में पैंट में वो लगेगा, नाक में भी घुस जाएगा, कान में भी घुस जाएगा। आओ तो दर्शक थोड़ा उधर हम लोग चले, तो बचना है आपको इन सब चीजों से, ठीक है। कहाँ चला गया? हाँ हाँ नहीं नहीं और हम कर लेते ये हाँ ये हो गया। तो इरेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपको क्या करना, टॉप टू बॉटम आपको इसको मिटाना है, कैसे वो आपने देख लिया। डू नॉट अच्छा डू नॉट डू नॉट ब्लैक बोर्ड पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं करना है, उसमें क्या है कि समथिंग शुड बी अवॉइडेड वाइल यूजिंग द ब्लैक बोर्ड, जिससे आपको बचना है उसमें है कि क्लीन द बोर्ड टू सून, क्लीन द बोर्ड टू सून, बहुत जल्द ब्लैक बोर्ड को नहीं मिटाना है। अब ऐसा नहीं है कि आप एक तरफ लिख लिया और तुरंत मिटा दिए, आपको ध्यान रखना है कि ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल आप बच्चे के लिए कर रहे हैं, बच्चा उसको उतारेगा नहीं तब तक आपको क्या करना है उसको मिटाना नहीं है, ठीक है। तो बहुत जल्द नहीं मिटाइए, सोचिए समझिए, बच्चों से पूछिए कि हम लिखे नोट किए या नहीं किए। दूसरा है यूज हैंड या फिंगर टू क्लीन द बोर्ड, बोर्ड को साफ करने के लिए कभी भी हाथ का या उंगली का प्रयोग मत कीजिएगा। फिलिंग चॉक बीट्स डस्टर एट द स्टूडेंट, स्टूडेंट के ऊपर कभी भी डस्टर या वो चॉक जो है वो आपको नहीं फेंकना है। सेज चॉक, चॉक ऐसा हो जिससे आवाज नहीं आए, है ना, कर 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 इस तरह का आवाज जो है वो चौक से आती है वो उस तरह का नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है अच्छे बोर्ड होंगे तो चौक की आवाज नहीं आएगी। राइट हैपजार्डली ये क्या है कि आपको ऐसा नहीं है कि मतलब जो जब मन किया आप जो है अचानक लिख दिए और जब मन किया आप मिटा दिए, इस तरह से आपको नहीं करना है। लिखना है तो सिस्टमेटिक वे में लिखना है। और यूज डस्टर रैंडमली, डस्टर का प्रयोग आपको रैंडमली नहीं करना है, इन सब चीजों से आपको बचना है। तो ये सभी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नहीं करना है। इंटर से तो कुछ नहीं आ रहा, कहाँ आ रहा, ठीक। अब आइए कंपोनेंट्स ऑफ के बारे में जान लें कि कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन बोर्ड स्किल्स या कंपोनेंट्स ऑफ राइटिंग बोर्ड स्किल्स। देखिए राइटिंग बोर्ड्स या ग्रीन बोर्ड्स के जो हैं कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो होते हैं। आपको मैं बता दूं कि प्राइमरी कंपोनेंट्स में आप देख लीजिए यहाँ पर डेट, सब्जेक्ट, पीरियड, टॉपिक, है ना, और ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन इसमें छूट गया है, ये सभी चीजें जो बोर्ड है उस बोर्ड के लेफ्ट साइड में टॉप पर आपको लिखना है। कहीं बहुत जगह स्कूल में आपको मिलेगा कि ये जो है ये सभी क्या कहते हैं वो पेंट से लिखा हुआ रहता है, ये मिटने वाली चीजें नहीं होती, लेकिन जहां नहीं लिखा हुआ है वहां पर आपको ये सब लिख करके और प्रॉपर इसके सामने में आपको फिलअप करना होता है।
और उसके बाद जो ये हेडिंग जो आप देंगे, ये हेडिंग आपको देना है कहाँ, कैसे देना है, जो आपकी हाइट है उससे 6 इंच ऊपर होना चाहिए, जैसे हमने दिया है ट्रायंगल। तो ये प्राइमरी नोट्स है, ठीक है, कंपोनेंट्स के अंतर्गत आता है। और अब देखिए, इसमें एक बात बता दें, कंफ्यूज मत कीजिएगा, आप लोगों को हो सकता है कि कंपोनेंट्स मिला होगा या मिलेगा, तो हो सकता है कि ये सब में आपको कुछ पॉइंट्स वेरी करे, तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं से वो जो हम बताए हैं वहीं से लिया गया होगा। दूसरा है लीजिबिलिटी इन हैंड राइटिंग। देखिए, इसके अंतर्गत जो है बहुत सारी कुछ एग्जाम्पल है जिसके बारे में हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं, एडिक्वेट स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स एंड वर्ड। देख लीजिए एग्जाम्पल, करेक्ट वे में क्या आप लिखेंगे, है ना, राइट प्रोसेस, रॉन्ग प्रोसेस। देखिए, दिस इज ए बॉय, अगर आप लिख रहे हैं तो इसमें देख लीजिए जितने भी लेटर, जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, सबके बीच का स्पेस क्या है, पर्याप्त है। और वही दूसरा नीचे में जो लिखा हुआ है उसको आप देखिए कि दिस के बाद इज के बीच क्या गैप है, वो आप देख लीजिए, इज और ए के बीच का गैप देख लीजिए। बॉय में बी को अकेला बेचारे को छोड़ दिया है, और ओ भाई अपना किनारे जो है पकड़ लिया, ठीक है ना। तो ऐसे आपको नहीं लिखना है, इस तरह से इसको आपको बचना है इन सब चीजों से। उसी तरह से एडिक्वेट साइज फॉर द लेटर, लेटर का साइज भी आपको उसी तरह से होना चाहिए। राइट प्रोसेस देख लीजिए ऊपर वाला है, रॉन्ग प्रोसेस देख लीजिए नीचे वाला है, इसलिए कि आपने एच किस तरह का लिखा, स्मॉल एच, और स्मॉल बी को आपने किस तरह से लिखा, आप देख लीजिए, है ना, वाई कैसे लिखे हैं और आई कैसे है, मतलब लेटर का क्या है साइज भी एडिक्वेट होना चाहिए। बेतरतीब ढंग से, बेढंगे, मतलब उसको क्या कहते हैं, बेतरतीब ढंग से आपको नहीं लिखना, ठीक है ना। ये सभी एकदम आपके ब्लैक बोर्ड की सुंदरता को क्या है, एकदम समाप्त कर देगा, खत्म कर देगा, ठीक है ना। जैसे आप लोग शादी ब्याह में बन ठन करके जाते हैं, उसी तरह से आपको क्या करना है कि क्लासरूम में भी पढ़ाने के समय आपको ब्लैक बोर्ड को बन ठन करके उस पर लिखिए, सजाइए, बच्चे उससे आनंदित होंगे, प्रसन्न होंगे। नेक्स्ट आइए, ये सॉरी थोड़ा सा लाइट बीच बीच में कट जा रहा है और हमारा टाइम भी हो गया, जैसा कि हमने बताया था आपसे कि ये थोड़ा इधर, ठीक है ना, उन लोगों को दिखाई दे रहा है। चलिए, डिफरेंट साइज फॉर कैपिटल एंड स्मॉल लेटर, आप देख लीजिए कि कैपिटल और स्मॉल लेटर के बीच का जो साइज होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है ना। अब देख लीजिए नीचे वाला आप सेंटेंस देखिए और ऊपर वाला सेंटेंस आप देख लीजिए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्या है कि साइज जो भी लिखे हैं कैपिटल लेटर का, अगर आप एक जैसा लिए हैं तो स्मॉल लेटर के लिए भी आपको एक जैसा लेना है। नेक्स्ट आइए आप, यूनिफॉर्म साइज फॉर ऑल कैपिटल लेटर हो गया, यूनिफॉर्म साइज ऑफ ऑल स्मॉल लेटर, यूनिफॉर्म थिकनेस फॉर लाइन, तो दो लाइन के बीच का जो थिकनेस होना चाहिए वो भी एक जैसा होना चाहिए। और थिकनेस एक जैसा हो, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि इतना ज्यादा गैप आप दे दीजिए कि वो देखने में क्या लगे, खराब लगे। तो आपको इन सब चीजों से भी क्या करना है, बचना है, ठीक है मैडम। आ रहे हैं, खत्म होगा समय। तो नीटनेस इन ब्लैक बोर्ड वर्क, इसमें है आपका स्ट्रेटनेस ऑफ लाइन, सब पर हम बात कर चुके हैं, एडिक्वेट स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस, अवॉइड ओवर राइटिंग, फोकसिंग द रिलेवेंट मैटर। ध्यान रखिएगा कि ब्लैक बोर्ड जब आप यूज करें तो ध्यान रखें कि आप वही चीज लिखिए जो आपके टॉपिक से, सॉरी टॉपिक भी नहीं कहेंगे हम, सब टॉपिक से संबंधित है, ठीक है ना। अब ट्रायंगल आप पढ़ा रहे हैं,
ट्रायंगल में आप पता चला कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ा रहे हैं, उसमें आप पढ़ा रहे हैं कि एंगल के हिसाब से ट्रायंगल के कितने प्रकार होते हैं, और आप जब ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं तो वो भुजा के हिसाब से लिख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बचिएगा। और चौथा जो है आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन, ध्यान रखिएगा कि आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन भी करना है। जैसे सपोज कर लीजिए कि हमने आप लोगों को पढ़ाया कि प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, इसमें देखिए फैमिली है, नेबरहुड है, स्कूल है, सोसाइटी है, ये सभी मेजर पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को आपको क्या करना है, वो अंडरलाइन करना है। ठीक है, अंडरलाइन करने के लिए भी आप कलर चौक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैडम थोड़ा सा माफी चाहते हैं, थोड़ा लेट, ठीक है। फिफ्थ है आपका पोजीशन ऑफ द टीचर। देखिए आपके सामने ब्लैक बोर्ड है, पोजीशन टीचर का कैसा होना चाहिए, एक रॉन्ग पोजीशन है और एक राइट पोजीशन है। आप देखिए ये जो रॉन्ग पोजीशन में टीचर खड़े हैं, इसको पीछे से कौन सा बच्चा किस तरह से चौक मार दे, कहना मुश्किल है। चौक मारेगा आपको तो पता चलेगा, देखो इसमें है ना, पीछे से चौक मार देगा नहीं पता चलेगा, ये रॉन्ग प्रोसेस है। आपको ब्लैक बोर्ड के सामने वर्टिकली खड़ा होकर के नहीं लिखना है, आप इस तरह से लिखिए, थोड़ा कॉर्नर बनाइए, ठीक है, बेस के साथ, और आपका जो पोजीशन है इस दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल बनाइए, ठीक है, 75 डिग्री का एंगल आप बनाइए, ठीक है ना, ताकि आप क्या करो ब्लैक बोर्ड पर भी लिखे और बच्चों के तरफ भी आप देख सके, ठीक है। आंधी में देखे हो पेड़ जो है वो लंबा पेड़ है और ना एकदम सीधा, आंधी में झुक जाता है ना, झुक के कैसे मुड़ जाता है, तो उसी तरह से आपको क्या करना है, थोड़ा मुड़ जाना है ना, मुड़ करके लिखिए, और थोड़ा लिखिए थोड़ा पीछे भी देखिए, थोड़ा लिखिए थोड़ा पीछे भी देखिए। हमारे पास इसमें पिक्चर और अच्छे नहीं मिले, या इस अदरवाइज इसमें और भी अच्छा हो सकता था। चलिए नेक्स्ट एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है इसके, कि ए कन्वीनियंट माइक्रो टीचिंग स्किल्स फॉर ग्रुप टीचिंग। देखिए यह जो आपका स्किल है राइटिंग बोर्ड का, इसको आप पूरे ग्रुप में क्या है आसानी से यूज कर सकते हैं, 100 स्टूडेंट के बीच यूज कर सकते हैं, है ना, 60-70 स्टूडेंट के बीच, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट के बीच आप इसको यूज कर सकते हैं। कन्वीनियंट फॉर राइटिंग नोट्स, बच्चे को क्या है जो ब्लैक बोर्ड पर आप लिखते हैं उससे उनको एक नोट्स भी क्या होता है प्रोवाइड हो जाता है। कैन बी इजली इरेज टू यूज मोर देन वंस इन ए क्लास, यानी क्या है कि आप इसे एक क्लास में बहुत दिनों तक, है ना, एक से ज़्यादा बहुत दिनों तक आप इसको यूज कर सकते हैं। एक ब्लैक बोर्ड जो होता है तकरीबन मुझे लगता है कि 10 साल चलता हो, है ना मैडम, आप 10 साल चलता हो, और इट इज इकोनॉमिकली, यह क्या है वह बहुत कम खर्च में क्या होता है ये आपको मिल जाता है, ठीक है। इसका इसका जो कॉस्ट है वो पीपीटी का जो जिस तरह का आता है, सब क्या कहोगे उसको, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिस पर होता है, उन सब के जैसा इसका कॉस्ट नहीं होता। ये बहुत आसानी से और कम दाम में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आइए इसके लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि वाइल फोकसिंग इन ब्लैक बोर्ड स्किल्स स्टूडेंट एस्केप्स अदर स्किल ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये सुनिए, आप लोग को बता दें इसके बारे में कि देखो आपका जो स्किल्स है उसमें सेट इंडक्शन से शुरू होता है और क्लोजर स्किल तक ये चलता है। इस बीच में मुझे लगता है 10-12 स्किल होंगे। इस 10-12 स्किल के अगर कंपोनेंट को अगर आप जोड़ लीजिएगा तो हमको लगता है कि 100-125 के आसपास आपका कंपोनेंट हो गया। तो इस 125 कंपोनेंट को आप दिमाग में रखिएगा तो पढ़ाइएगा क्या,
तो हम उसकी तो बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने ही स्किल की बात कर रहे हैं। इतना ही चीज को अगर माइंड में अगर लेकर के अगर चलोगे कि हमको ब्लैक बोर्ड पर ऐसे लिखना है, वैसे लिखना है, इन चीजों से बचना दिमाग में, ये सब इतनी बात को अगर लेके चलोगे तो फिर आपका क्या होगा, वो आप अपने जो आपका जो मेन टॉपिक है, जो मुख्य बातें जो आपको पढ़ानी है, वो आपका थोड़ा सा क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। द डस्ट ऑफ चौक स्प्रीड इन टायर क्लास। देखिए, चौक का जो डस्ट होता है ना, ये चौक का जो वो गर्दा होता है, वो क्लासरूम में फैलने की जो है वो उसकी पॉसिबिलिटीज होती है। और द स्टूडेंट डिपेंड्स ऑन टीचर मोर एंड मोर ड्यू टू मैक्सिमम यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड वर्क इन द क्लास व्हाइल टीचिंग। देखिए, आप जब मैक्सिमम वर्क क्लास ब्लैक बोर्ड पर करते हैं, मैक्सिमम वर्क ब्लैक बोर्ड पर जब आप करते हैं, तो उससे होता क्या है कि बच्चे जो हैं आप पर ज्यादा क्या होते हैं, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। उनको लगता है कि सब कुछ तो मुझे मिल ही गया, अपने से करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका भी ध्यान आपको रखना है कि ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल भी आपको उसी हिसाब से करना है कि कुछ काम आप बच्चों के लिए भी छोड़ें। नेक्स्ट आइए की पॉइंट्स। ध्यान रखिएगा कि अब जो इसमें एक बात आती है कि साइंस, सोशल साइंस एंड लिटरेचर, इन तीन जगहों पर या तीन अलग अलग सब्जेक्ट्स में आप ब्लैक बोर्ड को किस प्रकार इस्तेमाल करेंगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू प्रवीण मैम जिन्होंने ये बताया था कि सोशल साइंस में डायग्राम एक तरफ राइट साइड में, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि अगर अगर आप सोशल साइंस में कुछ डायग्राम ड्रॉ करना चाह रहे हैं, मैडम थोड़ा थोड़ा सा, अगर सोशल साइंस में अगर आप कुछ डायग्राम ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो ब्लैक बोर्ड को आप तीन भाग में बांट दीजिए। देख लो, एक भाग, दो भाग और ये तीन भाग। और अगर आप डायग्राम नहीं दिखा रहे हैं, तो ब्लैक बोर्ड को सिर्फ और सिर्फ दो ही भाग में बांटिए, एक भाग और ये दूसरा भाग, तीसरा छोड़ दीजिए। और इसमें क्या करना है, डायग्राम आप यहां बनाइए और एक्सप्लेन करने के लिए दो वाला दो दो, दो रखिए आप, ठीक है। एक तरफ यहां आप एक्सप्लेन किए, दूसरे तरफ यहां कीजिए। और जब यहां एक्सप्लेन कर रहे हैं आप, तो इधर वाला जब बच्चा लिख लेगा तो फिर इसको मिटा दीजिए और इसको रहने दीजिए, ठीक है ना। तो आपका भी काम चलता रहेगा और बच्चे का भी काम चलता रहेगा। ये सोशल साइंस का है। नेक्स्ट आइए इन साइंस। साइंस में आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए भाई, ये साइंस में हम मैथमेटिक्स छोड़ के बोल रहे हैं, ठीक है। इसको आप फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस के तौर पर देखिए। मैडम ने ऐसा कहा है कि बच्चे को कहिए कि डायग्राम एक तरफ बनाए राइट साइड में, और उसका एक्सप्लेनेशन वो लेफ्ट साइड अकॉर्डिंग टू नुसरत मैम, ठीक है। डायग्राम आप इधर बनाइए और इधर आप उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए या जो भी लिखना है वो लिखिए। यानी साइंस में आपको ब्लैक बोर्ड को दो भाग में बांटना है, ठीक है। अगर हम अपने सब्जेक्ट की बात करें, तो जहां तक हमको लग रहा है कि इसमें क्या कहते हैं, एक एक पार्ट, एक पार्ट का मतलब एक छोटा सा पार्ट, इफ यदि अगर कैलकुलेटिंग पार्ट है अगर उसमें आ रहा है, तो एक छोटा सा पार्ट आप जो है राइट साइड में रख दीजिए फॉर कैलकुलेशन या फॉर रफ वर्क के लिए, और एक पार्ट आप ऐसा रखें कि जिसमें पूरा का पूरा आप सिस्टमेटिक वे में आप उसको क्या कीजिए, प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। अब जैसे सपोज कर लो कि आपको अगर मान लीजिए कि अगर दिखाना हो कि वृत्त की बाहरी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती, थ्योरम है, प्रूफ करना,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायग्राम एक तरफ बनाइए और लिखने का काम एक तरफ कीजिए, नहीं। थ्योरम को प्रूफ करने के लिए उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं। सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़िए, उसका पिक्चर बनाइए, उसमें क्या प्रूफ करना है, ठीक है, क्या कंस्ट्रक्शन करना है। और एक प्रूविंग वाला पार्ट होता है, तो पहले आपको पिक्चर ही बनाना है, पिक्चर राइट लेफ्ट ये सब नहीं करना है मैथमेटिक्स में। नेक्स्ट आइए इन लिटरेचर, देखो भाई ध्यान से रखिएगा, लिटरेचर का स्पेलिंग इसमें गलत लिखा हुआ, एल आई टी ई होता है, आर ए टी यू आर, नहीं गलत है, लिटरेचर है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू ये संध्या में ये नहीं, एक मिनट, लिटरेचर में जब आप इस्तेमाल करेंगे ना तो ब्लैक बोर्ड को आप तीन भाग में बांट लें, तीन भाग में, एक भाग आपका रहेगा शब्द शब्दार्थ, एक है मुख्य बातें और एक है विशेषताएं या व्याकरणीय संरचना। अब जैसे शब्द शब्द, मान लीजिए कि आप अगर कोई कविता अगर आप बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो अब जैसे मान लो दोहाई पढ़ा रहे हो, खीरा मुख से काटिए मलिए नमक लगाए, और रहमन करवे मुखन को चहियत यही सजा, है ना। अगर इस तरह का दोहा आप पढ़ा रहे हैं तो इसमें जो डिफिकल्ट बात है आप उसको क्या कीजिए, वहां नोट कीजिए और उसका सही मीनिंग दीजिए। आप जैसे मान लिया मुख्य बातें ये हो गई कि ये जो वो दोहा कहा गया किसने कहा, ठीक है, और उसका जो विशेषताएं हैं उसको अब आप लोग अपने उसको देखिए। लेकिन मैडम ने एक एग्जाम्पल दिया था जैसे कि नीर्स का अर्थ पानी होता है, और ये कोई कविता है जो कवित्री है जो महादेवी वर्मा, ये इनके इसमें कहीं पर नीर आता है, तो मुख्य बातें हो गई ये, और शब्द शब्द अर्थ इस तरह से रहेगा, और विशेषताएं में छंदोबद्ध कविता है। अब छंदोबद्ध क्या है ये आप समझिए, ठीक है। और अब फाइनली हम कंक्लूजन पर आ रहे हैं, समय हो चुका है, कंक्लूजन पर आ रहे हैं। कंक्लूजन के तौर पर, निष्कर्ष के तौर पर अगर हम आप लोग से निष्कर्ष के तौर पर अगर हम बोलना चाहें तो हम बहुत देर बोलना शुरू कर दें, लेकिन अब टाइम ओवर हो गया है, हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। कि इसमें देखिए लिखा हुआ है कि व्हेन ए टीचर राइट्स ऑन ए राइटिंग बोर्ड दैट हैंड राइटिंग रिवल्स हिज या हर पर्सनालिटी एंड रिफ्लेक्ट हिज सब्जेक्ट्स नॉलेज। होता क्या है कि ब्लैक बोर्ड को जो अब आप यूज करते हैं, तो यूज करने के समय में आप जिस तरह से लिखते हैं, आपकी जो लिखावट है वह लिखावट वह आपके पर्सनालिटी को क्या करता है, दर्शाता है। और उस सब्जेक्ट के प्रति जो नॉलेज है वो आपका, वो नॉलेज को भी क्या करता है, दर्शाता है, ठीक है। तो कंक्लूजन में यही है कि जो आप ब्लैक बोर्ड जिस तरह से यूज कर रहे हैं उसमें दो बातें हैं, एक पर्सनालिटी आपकी डेवलप होती है और दूसरा आपके नॉलेज, सब्जेक्ट का नॉलेज का क्या होता है, वो उसके ज्ञान को दर्शाता है। तो यहीं तक मेरा अब ये रहा इसमें, लेकिन कुछ बात है, दो चार मिनट और हम लेंगे। देखिए चूंकि अभी ऑनलाइन सब चीज सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन एक समय आएगा बहुत ज़्यादा नज़दीक बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कि आपको ऑफलाइन में आना होगा, आपको स्कूल या स्कूल में प्रैक्टिस टीचिंग के लिए जाने होंगे, तो वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएगी। कब, जब वहाँ आप देखिएगा कि 100 बच्चा है 50 बच्चा है और इतना छोटा सा बोर्ड आपको मिलेगा, है ना, एक हाथ लंबा एक हाथ चौड़ा। अब बताइए एक हाथ लंबा एक हाथ चौड़ा या दो दो फीट लंबा दो फीट चौड़ा, मतलब कुछ एकदम बहुत छोटा सा अगर मिलेगा
तो आप उसमें क्या कर पाइएगा? ना तो आप उसको जो है तीन भाग में डिवाइड कर सकते हो, ना दो भाग में सही से डिवाइड कर सकते हो, ना आप अपने टॉपिक को सही से लिख सकते हैं। लिखेंगे नहीं लिख पाएंगे। तो यह तभी अप्लीकेबल है, यह तभी आपका जो है कारगर होगा जब ब्लैक बोर्ड का साइज मन मुताबिक हो, जैसा कि हमने साइज ऑफ ब्लैक बोर्ड में चर्चा की है। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और इस ब्लैक बोर्ड स्किल में, ग्रीन बोर्ड स्किल में हाँ क्वेश्चन सेशन भी है। अच्छा, किसी को अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं सर। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि आप लोगों के घर में तो चूंकि ब्लैक बोर्ड तो होगा नहीं, तो फिर इसको आप प्रेजेंट कैसे करोगे, है ना जी? आप लोग ध्यान से रखिए, ध्यान से सुन लीजिए। आप ब्लैक बोर्ड आज शाम में जो आप लोगों की प्रैक्टिस टीचिंग होगी उसमें तो ब्लैक बोर्ड स्किल है, तो ब्लैक बोर्ड आप कैसे दिखाइएगा? हाँ, सेट इंडक्शन और ब्लैक बोर्ड दोनों है, लेकिन सेट इंडक्शन के लिए ब्लैक बोर्ड की जरूरत नहीं भी है, कोई जरूरी नहीं कि उसके लिए जरूरत पड़े, लेकिन उसको जब आप एक्सप्लेन कीजिएगा तो उसकी जरूरत आज नहीं पड़े, लेकिन कल जो कुछ आपको बताया जाएगा उसके लिए तो आपको यूज करना ही होगा। ठीक है ना? और यह ध्यान भी रखना है कि यह एक ऐसा स्किल है जो आपको शुरू से, यानी सेट इंडक्शन के लिए भी आप ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्लोजर स्किल जो है आप वहां पर भी आपको इसके लिए आपको यूज करना पड़ सकता है या पड़ेगा। तो शुरू से लेके लास्ट तक के बीच, क्लास में घुसने के बाद और निकलने से पहले, यह स्किल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब कोई कंफ्यूजन है, किसी को अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पूरे स्किल में बताने के लिए सबसे आसान स्किल यही है। हाँ बोलिए। मैसेज कहाँ आ रहा है, देखाओ, बोलिए, जैसा मैसेज देख ले। हाँ बोलिए, यहाँ पर ऐसे दिखा भी दो कहाँ पर। अच्छा बोलिए। ये सुप्रिया सिंह की पूर्ति का क्वेश्चन है सर, कि इन अ क्लासरूम इफ सुटेबल ब्लैक बोर्ड इज नॉट अवेलेबल एट द साइट, व्हाट शुड वी डू? अगर स्पेसिफिक साइट का जो मेंशन किया गया है। जी जी, एक मिनट सर। सुप्रिया अनम्यूट होकर तुम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो ना सर। मैम सर, मेरा क्वेश्चन था कि अगर हम लोग क्लासरूम गए ऑफलाइन मोड में। पूछिए क्वेश्चन, पूछिए, आवाज नहीं आ रही है इसमें। देखो तो दशरथ, ये आवाज इसमें क्यों नहीं? देखिए, आप जैसा बोल रही हैं कि जो साइज हम बोले हैं, और अगर उस साइज का क्वेश्चन, उस साइज का क्वेश्चन अगर मान लीजिए, आइए, उस साइज का ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड आपको नहीं मिलता है, तो वैसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? आपको बता दें, जैसा कि हमने शुरू में भी कहा था कि ये काम आपका नहीं है, टीचर का नहीं है, ये काम जो स्कूल के हेडमास्टर हैं, स्कूल के, कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं, या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ के अंतर्गत, या फिर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो ब्लैक बोर्ड प्रोवाइड किया जाता है, यह उनका काम है कि वो क्लास के साइज के अकॉर्डिंग ब्लैक बोर्ड आपको प्रोवाइड करे। हमने इसलिए कहा शुरू में कि आप लोग को, इसलिए हमने शुरू में कहा था कि अगर ब्लैक बोर्ड छोटा होगा तो आपका यह स्किल जो है रखी की रखी रह जाएगी,
ना आप उसको दो भाग में बांट पाएंगे, ना तीन भाग में बांट पाइएगा, कहाँ से, और ना ही सही से आप जो है प्राइमरी नोट्स आप डिनोट कर सकते हो, नहीं होगा। इसलिए आपको हर हाल में वो प्रोवाइड किया जाता है। अच्छे स्कूल, जितने भी अच्छे स्कूल हैं, वहाँ ब्लैक बोर्ड का साइज आपको मिलेगा, अच्छा मिलेगा। यस सर, अगर अब ब्लैक बोर्ड खराब रहेगा, मान लो कि उस पर कुछ लिख रहे हो और बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसमें टीचर क्या करेगा, है ना? तो वही बात है, वो अपनी बात को, वो अपने प्रॉब्लम को, टीचर अपने प्रॉब्लम को क्या करेंगे, हेडमास्टर तक रखेंगे, प्रिंसिपल तक रखेंगे, और प्रिंसिपल फिर वो बात को, हेडमास्टर उन बातों को क्या करेंगे, आगे फिर वो रखेंगे, आगे किसको रखेंगे, डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास यह बात वो रख सकते हैं कि सर हमारे स्कूल में इस तरह का प्रॉब्लम। एनीबॉडी, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और हमारे इस सेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए शिवान साहब और आपके यहाँ पर एक स्टूडेंट आप लोगों के बैठे हुए हैं दशरथ और एक विकास, इन लोगों का बहुत बड़ा है ना सपोर्ट रहा, और इसके बिना और ये काम नहीं हो सकता था। और एक सुपरमैन, सुपर पावर जिनका नाम हम लेना भूल गए, है ना, वो अनामिका मैडम, उन्होंने इस प्रोग्राम को बड़े खूबसूरती ढंग से इसको अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, और इसी अंजाम के बीच में हमारा एक स्किल था। ठीक है, अपनी बात को हम समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। 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 ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हाँ सर बोलिए। हाँ, लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं सर कि अगर ये ऑफलाइन होता तो बच्चों को इतना मजा आने वाला था कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। एनीवे सुप्रिया, तुमको क्वेश्चन का आंसर अच्छे से मिल गया जैसा हमको लग रहा है, और किसी को कोई डाउट तो है नहीं, क्योंकि समीउल्लाह सर अभी भी यहीं पर हैं, अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी भी अनम्यूट होकर। नहीं है कोई क्वेश्चन, चलो ठीक है। तो हमारा जो थर्ड सेशन होगा वो आपके सुपरवाइजर के अकॉर्डिंग जो भी टाइम फाइनल होगा आप उसमें कीजिएगा, सेट इंडक्शन एंड ब्लैकबोर्ड स्किल। जिसके घर में ब्लैकबोर्ड अगर छोटा सा भी है अवेलेबल, उसको आप लोग रेडी कर लीजिए, और जिसके पास नहीं है वो रोलर वाला एक होता है ना फोल्ड करने वाला, उसको आप लोग ले आइए, उसको आप लोग ले आइए। अगर पॉसिबल है तो कोशिश कीजिए कि एक डस्टर, चौक और वो फोल्ड करने वाला जो ब्लैकबोर्ड जो टेम्पररी यूज किया जा सकता है उसको यूज कीजिए, अपना वीडियो ऑन करके ब्लैकबोर्ड स्किल का प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब हमें सब कुछ ऑनलाइन ही करना है तो फिर छोड़ना क्यों, सब कुछ का प्रैक्टिस होगा और आपके सुपरवाइजर आपको अच्छे से देखेंगे। तो थैंक यू सो मच समीउल्लाह सर इतने खूबसूरती से सब बताने के लिए, और ब्लैकबोर्ड स्किल हमको लगता है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और बाकी का जो भी होगा प्रॉब्लम वो सुपरवाइजर लोग आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो शॉर्ट आउट करेंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग सो इतने पेशेंस के साथ और इतने कोऑपरेशन के साथ आप लोगों ने ये दो सेशन देखा, और काफी इफेक्टिव भी रहा और काफी आप लोगों का कोऑपरेशन भी रहा। इसी तरह से बस आप लोग बने रहिए और सीखते रहिए, और अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।
आप लोगों के साथ। हाँ, एक बात और बोलना था हमको कि आप लोगों को जो फीडबैक फॉर्म प्रोवाइड कराया जा रहा है वो फीडबैक फॉर्म 2-3 लोग ही भरेगा, सभी बच्चों को भरना जरूरी नहीं है उसके लिए। और उसमें एक में अपना नाम लिखेंगे आप और एक में आप जिस बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लीजिए आप अपने जिस फ्रेंड को ऑब्जर्व कर रहे हैं, विकास वो दो ना जरा फोन में जो स्क्रीनशॉट लिए थे वो दो, तो एक में आप अपना नाम लिखेंगे, एक में आप जिस अपने साथी स्टूडेंट को जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें एक में आप उनका अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो जरा अभी। नेम ऑफ द ऑब्जर्वर और ये क्या, हाँ नेम ऑफ द टीचर ट्रेनिंग ये आएगा, इसमें आप जिसको देख रहे हैं उसका नाम लिखना है। जैसे मान लो अगर ये विकास विकास फिल कर रहा है और वो दशरथ को देख रहा है तो इसमें वो दशरथ का नाम लिखेगा। सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट दशरथ जो पढ़ा रहा है वो सब्जेक्ट लिखा जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा नेम ऑफ द ऑब्जर्वर, देख कौन रहा है, विकास देख रहा है तो विकास अपना नाम उसमें लिखेगा। क्लास में होगा दशरथ जिस क्लास को पढ़ा रहा है वो क्लास इसमें लिखा जाएगा, डेट आज का हो जाएगा। मैम तो बोलो बोलो मैम, क्लास में ना मैं ऑप्शन नहीं आता है कि ये बीएड आता है। अच्छा तो तुम बीएड भरना ना, कोई बात नहीं है, उसमें हम नहीं समझ पा रहे थे क्योंकि मेरे पास बस स्क्रीनशॉट अवेलेबल है। सब्जेक्ट में देखो, सब्जेक्ट में जो दशरथ पढ़ा रहा है विकास उसको भरेगा, अपना कुछ नहीं भरना है, हम जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं ना उसका सब कुछ भरेंगे। समझ गए? यस मैम। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम, कल फिल किए थे मैम, इजी हो गया था। ओके ओके, हमको लगा जैसे कहीं कल भेजे सडनली तुम लोग को कुछ समझ में वैसे नहीं आया हो तो एक बार पूछ लेना चाहिए। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पर भी? मैम ब्लैक बोर्ड जो बोले आज टेम्पररी यूज करने वाला तो वो आज ही से यूज करना है कल से कर सकते हैं? देखो आज ही तो हम लोग को करना है ना उसका प्रैक्टिस, सेट इंडक्शन का प्रैक्टिस और ब्लैक बोर्ड स्किल दोनों का प्रैक्टिस आज ही करना है। तो अपने सुपरवाइजर से थोड़ा सा टाइम मांग लो तुम लोग कि हम लोग को रोल करने वाला ब्लैक बोर्ड खरीदने का थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, शाम को कर लेते हैं हम लोग, या अभी सेट इंडक्शन का एक बार कर लो और ब्लैक बोर्ड का अभी कर लेना कल या शाम को कभी भी। वो अपने सुपरवाइजर के साथ तुम लोग, ये अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ओके ठीक है, ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट थर्ड सेशन में। ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड बाय बाय मैम। बाय मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक्स यू मैम। सर को हम फिर से एक बार बुला लेते हैं ना, सर को देखकर क्या ख्याल आता है? सर को देखकर ऐसा ख्याल आता है ना कि जो भारत है ना वो हमारे सीधे साधे और साफ दिल वाले लोग का देश है, लगता है ना ऐसा? Yes, सर जितने इनोसेंट और जितने अच्छे से बताते हैं आपको उतना अच्छा से कोई और ब्लैक बोर्ड स्किल नहीं बता सकता है, पूरा लर्निंग बाई डूइंग और इतना अच्छा प्रैक्टिकल सेशन चलेगा कि आप लोग भी दंग रह जाइएगा देख के, कि आपको लगेगा कि इतना अच्छा और कोई बता ही नहीं सकता है। तो सर, डॉक्टर प्रोफेसर समीउल्लाह सर का स्वागत करती हूँ मैं। सर आइए और मंच पर पधारिए।